राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हाथरस 17 वर्षीय किशोरी ने गांव के ही 3 युवकों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, मामला पहुंचा थाने। यूपी के हाथरस का थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव की 17 वर्षीय किशोरी ने गांव के ही 3 युवकों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। आपको बता दें कि यह मामला थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक गांव का है। किशोरी जब गांव आगरा से लौटकर हाथरस जंक्शन आई, जब वह अपने गांव जा रही थी तभी गांव के ही 3 युवकों ने रोककर लड़की को अपनी बाइक पर बैठाकर ले गए। रास्ते में किशोरी के रुमाल से कुछ शुगर सुघाकर किशोरी को बेहोश कर दिया। वहीं किशोरी ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया कि मेरे साथ गलत काम किया गया है। आज थाना हाथरस जंक्शन में अपनी माता पिता को लेकर थाने पहुंची। थाने पहुंचकर लिखित प्रमाण पत्र देकर मामले को पुलिस को जानकारी कराया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना हाथरस जंक्शन पुलिस आरोपियों को तलाश करने पहुंची। गांव के आरोपियों को तलाश करने पहुंची और आरोपी हुए फरार। यह घटना दिन मंगलवार की है, जब किशोरी आगरा से लौटकर हाथरस जंक्शन आई तभी गांव के 3 आरोपी बाइक पर बैठाकर किशोरी को ले गए और किशोरी को बेहोश कर उसके साथ गलत काम किया। वहीं आज किशोरी ने थाना हाथरस जंक्शन पर आकर लिखकर प्रमाण पत्र दिया। वहीं पुलिस प्रार्थना पत्र लेकर मामले को दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाइक पीड़िता आई देखे संवाददाता अनिल चौधरी जनपद हाथरस से खास रिपोर्ट। क्या हुआ, क्या मामला आप जो थाने आए हो? मामला ये कि मैं आगरा से आ रही थी अपने आम की वजह से, तो मैं जब शाम उतरी थी गाड़ी में से, तो वहाँ से मैं अपने गांव जाने के लिए जा रही थी। तो वहाँ पर मैं बस में टिकट दुकान पर गई थी पहले, वहाँ से पैक करके आई थी। तो ये लोग आए थे कि लड़के आए थे बैठ लेकर, तो वो लोग मुझे अपनी बाइक पर बैठा, तो बोल रहे थे कि गाँव जा रही है, तो मैंने बोला हाँ गाँव जा रही हूँ। वो गाँव कोई लड़के थे इसीलिए मैं उनसे बैठ कर बैठ गई जाने के लिए। तो वो लोग मुझे रामपुर की तरफ ले गए, रामपुर की तरफ ले गए, बोल रहे थे कि काम है अभी बैठ लेके आएंगे तो फिर गाँव चलेंगे। मैंने हाँ बोल दिया, तो मैं उनकी बाइक पर बैठ गया और चली गई। तो मैंने बोला कि आगे कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, पता नहीं क्या सुनाया था। मेरे साथ गलत काम किया, हाथरस की तरफ गए थे। उसके बाद शाम को 3-4 बजे मुझे यहाँ पुलिस थाने छोड़ दिया, और वहाँ पर ये लोग छोड़ने के चक्कर में एक लड़का रह गया था वहीं पर। तो पुलिस वाला मुझे देख लिया, उन्होंने वहाँ पकड़ लिया पूछताछ की। तो मैंने सब कुछ बताया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उसे पकड़ के फिर बाद में छोड़ दिया पैसे वैसे दे। तो जैसे वो गांव के थे तीनों लड़के, उनके नाम पता है आपको कौन कौन लोग थे? नाम एक का नाम सेंकी है, एक का नाम दिखता है, और तीसरे का पता नहीं। कौन से दिन की घटना है ये? 31 तारीख मंगलवार की घटना। तो आज जो आप थाने आए हैं, जैसे उस दिन आपकी सुनवाई पुलिस ने नहीं की थी, तो आज आप क्या मतलब किस मामले से मतलब जानकारी करा रहे हैं पुलिस को? पुलिस को यही सब सच बताना है, पुलिस कार्रवाई करेगी आगे तक उसको पकड़ेगी। जब मेरे को होश आया तो उन्होंने, मैं गांव पे गई थी ये सब होने के बाद, थाने वाले जाने के बाद गांव पे गई थी, तो ये लोग धमकी दे रहे थे गांव में आए थे कि अगर मुझे भी दी थी सामने की, अगर तूने कुछ भी सच बताया कि तेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो मैं तेरे भाई को और तेरे बाप को और मुझे तीनों को मार दूंगा। तब आप थाने आए हो इस बात? तब मैं थाने आई हूँ यहाँ पर।
एबीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर।